खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखने का जोर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें वफाकी वजीर मनसूबाबंदी व खसूसी इकदाम एहसन इकबाल भी मौजूद थे। दोनों सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमू मुआशी और माली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उसके अलावा आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से तजावीज पर गौर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। सदर ने वजीर आजम को मुल्की तरक्की मुआशी अहदाफ के उसूल में ताबुन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात के दौरान सरबराहान मुमलिकत ने आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों पर भी बात की। सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम पर जोर देते हुए कहा कि बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। याद रहे कि वफाकी हुकूमत 18,500 अरब से रुपए से जायद का बजट आज पेश करेगी। वफाकी बजट में दिफा के लिए 2100 अरब रुपए, कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब रखे गए हैं। हुकूमत ने आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों के लिए 1500 अरब रुपए मख्तस किए हैं। बजट में तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए, तवानाई शोबे के लिए 800 अरब सब्सिडी, वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपए मख्तस किए हैं। बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया है।